राजपुर से एक स्तब्ध कर देने वाली घटना सामने आई है। राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उमरिया में चरित्र शंका को लेकर पति ने पत्नी पर कैरोसिन डालकर आग लगा दी। महिला लगभग 90% जल चुकी है, जिसके चलते महिला को इंदौर रेफर किया गया। परिजनों ने महिला के बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इसके अलावा शुक्रवार की शाम थाने पहुंचकर परिजन ने महिला के ससुराल वालों के खिलाफ आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने महिला के पिता से की बातचीत। सर कहाँ रहते हो? हम गड़े रहते हैं। अच्छा, क्या है मामला? मामला मेरी छोरी यहाँ उमरिया दी थी, 4 साल पहले दी थी और यहाँ 4 साल हो गया और अभी वो छोरी को बीचमा सासू ससुर ननो और उनका पति दवन तुखण पाड़ रहा था, उनको परेशान कर रहा था। फिर मैं एक दूसरा को बात भी बताई, मेरा भाई बंधु की भी बताई, पर वो बोले कि छोरा छोर की बात का ही ध्यान दे और इस बात को छोड़ो। उसे करें एक दो बार उस बात को मैं छोड़ दी और उनको कहीं चेतावनी दी, पर वो भी नहीं ध्यान दिया और मैं भी उस बात को छोरा छोरी के हिसाब से छोड़ दिया। फिर उसके बाद अभी काल की तारीख में वो छोरी को अचानक वो दौड़ाई दौड़ा के इन मारा और छोरी भाग के घर में भराई गई और घर में भराने के कारण वो घासलेट डाल दिया पति और अक्काड़ी लगा के जलाई दी। फिर उनका घर के सामने 4-6 परिवार उनका घर का सदस्य बैठा लेता, वो छोरी चिल्ला चोट करी, उसके बाद वो दौड़ के आया और उनके छुड़ाया और उनके बुझाया। तो वो छोरी को मेरे को वो 10 बजे की खबर 3 बजे शाम को पहुंचाई मेरे यहाँ, वो भी स्वयं ने नहीं पहुंचाई, दूसरा गांव वालों ने पहुंचाई। फिर वो पहुंचाने के साथ मैं आयु, फिर घर आयु, घर से इंदौर गयु, 12 बजे रात को मैं इंदौर पुजू, जाके छोरी का हालत देखी, छोरी का हालत बिल्कुल बेहाल थी। वहाँ जाइन छोरी को बयान पूछी, बयान छोरी चिल्ला चूट कर रही थी और बयान उन्हें सही बोली का झूठ बोली, उन छोरी बोली कि मेरे साथ एक गांव का लड़का कोई मेरे छेड़छाड़ कर रहा था, तो मैं उस लड़कों मेरे को छेड़छाड़ करे करी मेरा पति को मैं बात बता रही, तो इस कारण से मैं दौड़ाई दौड़ाई मारियो और घर वाले जंग घाटलेट नाके अक्कड़ी लगा देती। ये है अखबार जगत सच का दर्पण। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतजार।